हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें मेरे पास एक क्वेश्चन है जून 2023 का क्वेश्चन है जो आपके पास अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो आपके पास एक डिस्क गिवन है, ओपन डिस्क गिवन है, आपके पास सी कर्व गिवन है और एक फाइनाइट सेट का पॉइंट है। आपके पास फाइनाइट सेट का फाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन का सेट है जो डी में कंटेन है। जी जेड आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। एफ आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है और इन जनरल एनालिटिक फंक्शन है और वो आपके पास डी क्लोजर का कोई भी ओपन नेबरहुड पिक करेंगे उस पर वो एनालिटिक फंक्शन है। पी जेड आपके पास कैलकुलेट करना है 1/2 πi ओवर द कर्व सी और ये इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास एग्जाम में एफ इज एनालिटिक फंक्शन है, इन जनरल एनालिटिक फंक्शन है आपके पास। तो फॉर इन जनरल एनालिटिक फंक्शन के लिए आप एफ जेड को अगर जीरो फंक्शन पिक कर लेते हैं तो ये भी आपके पास डी क्लोजर का कोई भी ओपन नेबरहुड पिक कीजिए उसमें ये एनालिटिक फंक्शन होगा। तो जब मैं एफ ऑफ टी यहाँ पुट करूँगा तो वो आपके पास ये वैल्यू जो मिलेगी वो जीरो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास जो पी ऑफ जेड मिलेगा वो आपके पास एक जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, बट आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि पी जेड आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री एन का, फॉल्स होगा। पी जेड आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री एन माइनस वन का, वो भी फॉल्स होगा। पी जेड आपके पास ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है वो रेशनल फंक्शन होगा और इन पॉइंट्स पे उसके पास पोल होगा, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि पी जेड आपके पास जीरो पॉलिनोमियल है, इसके पास कोई भी पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके पास एग्जाम में डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। बट आपके पास जो डी ऑप्शन गिवन है वो गिवन है आपके पास पी ऑफ जेड जे है वो इक्वल है आपके पास एफ ऑफ जेड जे के। जे की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है वो है 0, 1, 2, 3 एंड सो n टर्म तक आपके पास गिवन है। तो आपको अगर मैं ये वैल्यू जब कैलकुलेट करूँगा आप यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप p, जैसे मैं p ऑफ z1 फाइंड करता हूँ तो p ऑफ z1 आएगा आपके पास 1/2 πi इंटीग्रल वैल्यू ओवर द कर्व सी, यानी कि यूनिट सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। एफ ऑफ टी यानी कि जेड 1 फाइंड करेंगे आप, तो एफ ऑफ टी जी ऑफ टी किसकी जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं, जेड 1 को जेड की जगह रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये मिलेगा आपके पास माइनस जी ऑफ जेड 1 अपॉन टी माइनस जेड 1 इंटू जी ऑफ टी dt। यहां आपके पास जो gz फंक्शन गिवन है वो फंक्शन गिवन है आपके पास पॉलिनोमियल है n डिग्री का, z माइनस z1, z माइनस z2, सो ऑन z माइनस zn, ये आपके पास गिवन है। तो जब मैं z को रिप्लेस करूंगा z1 से तो यहां आपके पास g ऑफ z1 पिक करेंगे तो ये z1 माइनस 1 यानी कि 0 मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल आपके पास क्या होगा 0। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास जीरो हो जाएगी। तो यहां से आपके पास जी जेड वन आपके पास क्या है जीरो, तो ये टर्म आपके पास रिमूव हो जाएगा यहां से। अब आपके पास जी ऑफ टी से जी ऑफ टी कैंसिल हो जाएगा तो पी ऑफ जेड वन आपके पास क्या मिलेगा यहां से 1/2 πi सिंप्लीफाई करके मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, कर्व गिवन है आपके पास और एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड वन। तो जब आप सॉरी ये इंटीग्रेशन आपके पास टी के रेस्पेक्ट में डी ऑफ टी, तो आपके पास ये जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास 1/2 πi इंटीग्रल वैल्यू ओवर द कर्व गामा एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड। तो ये जो जेड नॉट है आपके पास गामा, आपके पास इस टाइप का कर्व होता है कि वो जेड नॉट को कंटेन करता है, यानी कि जेड नॉट आपके पास इस गामा के इनसाइड होगा। एफ आपके पास विद इन एंड ऑन गामा एनालिटिक फंक्शन होता है। तो यहाँ आप जो रिप्लेस कर रहे हो जेड की जगह जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो आपके पास टी है। तो यहाँ से जब आप गामा कर्व आपके पास फिक्स है, जेड वन आपके पास इनसाइड दिस है क्योंकि जेड वन जेड टू आपके पास क्या है इनसाइड द डी है और डी आपके पास क्या है यूनिट डिस्क है, तो वो इनसाइड दिस पॉइंट आपके पास इस कर्व के। तो यहाँ से जब भाई आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे तो पी ऑफ जेड वन इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास होता है एफ एन एथ डेरिवेटिव एट द पॉइंट जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल,
यहाँ एन की वैल्यू आपके पास जीरो है, तो यहाँ क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट जेड वन। तो ये आपके पास पी ऑफ जेड वन किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जेड वन के। सेम जेड टू के लिए फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जेड टू के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी ऑफ जेड जे जो आपके पास वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड जे के, जे रनिंग फ्रॉम वन टू एन। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बट अगर आपके पास ये फंक्शन नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन होता इन एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ डी क्लोजर, तो आपके पास ये जो पी जेड फंक्शन है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनता, या ये पॉलिनोमियल बनता भी या नहीं बनता, वो हमें क्लासीफाइड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है आपके पास, कि अगर सपोज कीजिए गामा आपके पास कोई भी कर्व है एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, और आपके पास एफ एनालिटिक फंक्शन है विद इन गामा एंड ऑन गामा एक्सेप्ट द पॉइंट जेड नॉट, तो आपके पास ये इंटीग्रल वैल्यू किसके इक्वल आती है, टू पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड नॉट। अगर आपके पास सपोज कर लीजिए यहाँ कर्व है गामा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये कर्व गामा, और आपके पास जेड वन जेड टू जेड थ्री कुछ फाइनाइट सिंगुलरिटीज है मेरे पास जेड के टाइप की, जेड वन जेड टू एंड सो ऑन। आपके पास एफ एनालिटिक फंक्शन है विद इन गामा एंड ऑन गामा एक्सेप्ट जेड वन जेड टू जेड के, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, टू पाई आयोटा सम ऑफ द रेजिड्यू यानी कि जेड वन पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, जेड टू पे, जेड थ्री पे, जेड के पे, उन सब का आप सम अप करेंगे और टू पाई आयोटा से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वो आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। तो यहाँ जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है वो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, वैसे आपके पास क्वेश्चन फिनिश हो गया, आंसर डी होगा, बट अगर हमारे पास ऑप्शन वहाँ क्वेश्चन होता कि पी एफ जेड आपके पास नॉन जीरो फंक्शन है, तो आपको ए बी सी ऑप्शन वेरीफाई करना होता, यानी कि पी जेड आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा वो वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें एफ ऑफ जेड आपके पास थ्रू आउट नॉन जीरो फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ आपके पास जो पी जेड है वो है आपके पास वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल वैल्यू गामा एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ जेड अपॉन टी माइनस जेड इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो पी ऑफ जेड इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल वैल्यू ओवर द कर्व गामा एफ ऑफ टी एज इट इज, जी ऑफ टी आप फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास, टी माइनस जेड वन टी माइनस जेड टू एंड सो ऑन टी माइनस जेड एन माइनस जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई आपके पास जो वैल्यू आएगी टी माइनस जेड इंटू जी ऑफ टी फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास, टी माइनस जेड वन टी माइनस जेड टू एंड सो ऑन टी माइनस जेड एन इंटू डी टी, क्योंकि आपके पास जो जी जेड है वो पॉलिनोमियल है एन डिग्री का जेड माइनस जेड है। अब देखिए आपके पास ये फंक्शन है, अगर मैं यहाँ टी की जगह जेड वन पुट करूंगा तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो जीरो मिलने वाली है, न्यूमिनेटर में ये वाली क्वांटिटी आपके पास जीरो होगी, बट जी जेड आपके पास नॉन जीरो होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पुट कर रहे हो टी इक्वल्स टू जेड वन पॉइंट चेक कर रहे हो, तो T की जगह आप किसको रिप्लेस कर रहे हो, Z1 को रिप्लेस कर रहे हो। तो जब मैं T की जगह Z1 को रिप्लेस करूंगा तो डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली जीरो क्वांटिटी मिलने वाली है, न्यूमिनेटर में आपके पास ZZ मिलेगा, यानी कि सम नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी। तो ये लिमिट Z1 पे एग्जिस्ट कर रही है और क्या आ रही है आपके पास, इन्फिनिटी। तो Z1 ओवरऑल जो मेरे पास ये जो फंक्शन है Z, ये जो मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन टी इक्वल्स टू जेड वन ये फंक्शन की पोल टाइप की सिंगुलरिटी होगी। अगर मैं इस फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ टी नाम देता हूँ, स्मॉल एफ ऑफ टी इंटू टी माइनस जेड वन, सपोज कीजिए ये फंक्शन मैंने जो नाम दिया इसको कैपिटल एफ टी दिया, तो ये फंक्शन एट द पॉइंट जेड वन पे सिंपल पोल रख रहा है, क्योंकि जब आप फाइंड करेंगे तो टी माइनस जेड वन आपके पास डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट आएगी।
तो जेड वन पे आपके पास सिंपल पोल है, सेम वे से जेड टू पे सिंपल पोल है, जेड एन पे सिंपल पोल है। तो आप जब कॉची रेजिड्यू थ्योरम से इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास ये क्या मिलेगा, रेजिड्यू एफ एफ जो भी फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी एट द पॉइंट टी इक्वल्स टू जेड वन प्लस रेजिड्यू ऑफ कैपिटल एफ टी एट द पॉइंट टी इक्वल्स टू जेड एन, इन सब का समअप करेंगे। तो हम सिंपल सिर्फ एक पॉइंट पे फाइंड करके देखते हैं एट द पॉइंट जेड वन पे। तो जब मैं एट द पॉइंट जेड वन पे जब इसका रेजिड्यू फाइंड करूंगा, जेड वन जो है मेरे पास सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल पे रेजिड्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ टी फंक्शन का फाइंड करना है आपको एट द पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड वन, जेड वन आपके पास सिंपल पोल है तो लिमिट टी टेंस टू जेड वन जेड सॉरी टी माइनस जेड वन इंटू एफ ऑफ टी फंक्शन आएगा। तो एफ ऑफ टी फंक्शन आपके पास ये पूरा फंक्शन है, तो इसकी जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो एफ ऑफ टी इंटू टी माइनस जेड वन सोन टी माइनस जेड एन माइनस जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड टी माइनस जेड वन टी माइनस जेड एन ये मिलेगा आपको इंटू डी रेजिड्यू फाइंड करना। तो t माइनस जेड वन से आपके पास t माइनस जेड वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप लिमिट चूज करेंगे t की जगह जेड वन तो ये क्वांटिटी आपके पास जीरो रहने वाली है, ये वाली क्वांटिटी आपके पास जीरो मिलेगी। यहाँ से t माइनस जेड तो आपके पास ये जो लिमिट जब यूज करेंगे तो आपके पास मिलेगा f ऑफ t माइनस ऑफ टाइम्स g ऑफ z। तो माइनस टाइम्स g ऑफ z का मीनिंग कि आपके पास z माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड है, जो जी जेड फंक्शन की बने वो यूज कर लिया मैंने आपके पास, अपॉन टी माइनस जेड तो माइनस साइन कॉमन आउट लूंगा और टी की जगह आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो जेड माइनस जेड वन ये मिलेगा। फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म था टी माइनस जेड टू, तो टी की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं तो जेड वन माइनस जेड टू सोन जेड वन माइनस जेड एन ये मिलेगा आपके पास। तो यहां से आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस आपके प्लस प्लस हो जाएगा, तो पी ऑफ जेड आपके पास इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये जेड वन पॉइंट है जेड टू पॉइंट है, तो ये आपके पास फिक्स क्वांटिटी होगी, ये भी आपके पास फिक्स क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से आपके पास ये जो पी जेड है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिला आपको, एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल। सेम आप जेड टू पे फाइंड करेंगे तो वहां से भी एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल, जेड थ्री के लिए भी एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल, तो वो कॉमन आउट आएगा। तो पी जेड आपके पास जो ओवरऑल होगा वो एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो आपके पास यहाँ क्योंकि फंक्शन इन जनरल गिवन था तो जीरो फंक्शन लेके आपके पास तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए थे, फोर्थ ऑप्शन आपके पास ट्रू था। अगर आपके पास ये नॉन जीरो पॉली फंक्शन होता तो आपके पास बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट होते, तो आंसर इज ओनली डी।